हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनेमिक मैथ। तो मैं अभी आपको पूरा आंसर शीट, पूरा आंसर की जो है वो इंग्लिश का मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक आंसर आपको इसी चैनल पर दिया जाता है। आप कोई भी सब्जेक्ट का आंसर चाहते हो तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, ओके। और मैं आपको आगे चल करके साइंस का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सबका आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग मैच करते हैं इंग्लिश का सेट नंबर वन। कोई भी सेट हो आपका, सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, या फिर कोई भी कोड हो, 232 हो या 231 हो या 233 हो, कोई भी सेट हो, आपको इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मैच करेंगे ही करेंगे। तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है हर एक सेट में आपको मैच होता ही होता है। तो चलिए सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ओके। ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा एक एक आंसर जो है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप अपना मैच करते जाइए कि आपने कितना सही किया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका रीडिंग स्किल है, तो रीडिंग स्किल में यहाँ पर क्या है आपको, आपको ये जो आपका रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया गया है, टोटल जो है आपका यहाँ पर 8 पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ 1, 2, 3, आपका 4, 5, 6, 7 और 8, मैंने सारे पैराग्राफ को पढ़ लिया है, इसलिए मैं वीडियो जो है तो काफ़ी लेट से थोड़ा अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारे पैराग्राफ को अच्छे से अभी रीड कर लिया है। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हम लोग मिलाते हैं, और आप भी अपना आंसर को टिक कर लो कि आपने सही किया है या नहीं किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर इनएक्जिटेबल वेरियाज अल्टरनेट एनर्जी सोर्स वुड बी एक्जिटेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने सही टिक किया है या नहीं किया है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सेकेंड नंबर को हम लोग देखते हैं, वॉट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन्स फ्रॉम पैराग्राफ 4, रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसका आंसर आपको 40 वर्ड्स में करना है। तो जो आपको डिस्क्राइब करना है ना 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको केवल मल्टीपल बताऊंगा जो कि 1 मार्क्स का है, ओके। तो आपने आई होप कि आपने ये 40 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर लिया होगा। चलिए थर्ड नंबर को हम लोग देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, यानी कि इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। देखिए, इन द पास्ट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस वेयर नॉट यूज मच बाय द कंज्यूमर्स बिकॉज, देखिए यहाँ पर क्या भरा आएगा, आपको फिल क्या करना है यहाँ पर, देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इन द पास्ट अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस वेयर नॉट यूज मच बाय द कंज्यूमर्स बिकॉज, यहाँ पर फिल करना है आपको, इट वॉज एक्सपेंसिव एंड नॉट प्रैक्टिकल फॉर कंज्यूमर्स यूज, ये आपको यहाँ पर फिल करना था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या फिल किया है। चलिए हम लोग 4 नंबर को देखते हैं, तो यहाँ 4 नंबर में है, द पैसेज इंक्लूड्स सम वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सेट्स ए टू ई बिलो, आइडेंटिफाई 2 सेट्स ऑफ एंटोनियम्स। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इंक्लूड सम वर्ड्स, ओके, ऑपोजिट दैट आर ऑपोजिट्स। तो देखिए यहाँ पर पहला में है आपका, इसका जो आंसर होगा ना वो बी और ई ऑप्शन होगा, क्या होगा, बी और ई ऑप्शन होगा। जनरेट और प्रोड्यूस जो है वो दोनों एक ही सेम वर्ड है, सप्टेबल और वर्सेटाइल भी सेम वर्ड है, पावर और एनर्जी भी जो है वो सेम वर्ड है, ओके। तो इसका आंसर जो है ना बी और ई जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग 5 नंबर को देखते हैं, हु इज द लीडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पैक एंड वाई, तो इसका हो जाएगा आंसर विंड एनर्जी। इसका आंसर क्या होगा, विंड एनर्जी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या करना था आपको, 40 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना था। तो ये डिस्क्राइब वाला मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने आपको पहले बोल दिया है आपको ये डिस्क्राइब करना था, तो आई होप कि आपने इसको डिस्क्राइब कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वाट इज द मैसेज कॉन्वेड बाय द पैसेज, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है ना, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी में क्या बोला जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन में है, देयर आर प्लेंटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस, ओके। यहाँ पर इसका आंसर सी हो सकता है, मैं इसको 50-50 मान के चलता हूँ कि इसका आंसर सी हो सकता है। और डी में क्या बोल रहा है, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज आर द एमर्जिंग एनर्जी ट्रेंड्स एंड आर स्टिल इवॉल्विंग, यानी कि इसका आंसर डी भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो है ना, इसका आंसर डी होगा, अगर मैं एग्जाम देता तो इसका आंसर जो है वो डी ही टिक करता, और हो सकता है कि सी भी आंसर हो,
तो सी को मैं 50-50 मान के चलता हूँ। तो सी और डी मैं अभी आपको दोनों बता रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइए कि आपने क्या टिक किया है, सी टिक किया है या डी को टिक किया है। मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग जो है ना इसका, मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर डी होना चाहिए, बट 50-50 चांस जो है ना वो सी का भी बन रहा है। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपने क्या किया है। ओके, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, मैं इसका कंफर्म आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि सी होगा या डी होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने सी किया है टिक या डी। अकॉर्डिंग टू मी जो है ना वो डी होना चाहिए, बट सी भी हो सकता है मे बी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए एट नंबर को देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विथ रिफरेंस टू द टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। चलिए देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज यूज फॉर रेसिडेंशियल एज वेल एज कॉमर्शियल पर्पोजेज। तो इसका ट्रू हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। आपको बताना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे हम लोग अब आते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड एक्सक्रिप्ट फ्रॉम अ केस स्टडी टाइटल स्काउट्स एंड गाइड्स अराउंड द वर्ल्ड। ये पूरा एक पैसेज दिया गया है। यहाँ पर कितने पैराग्राफ में दिया गया है? 1, 2, 3 सारे पैराग्राफ को मैंने अभी काफ़ी अच्छे से पढ़ा है और पढ़ के मैं आपको पूरा आंसर जो है वो बता रहा हूँ, जिसमें मुझे कन्फ्यूजन था, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो मैंने आपको बताया सी और डी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपने सी किया है या टिक किया है। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, सी होगा या डी होगा, कमेंट करके जरूर बताना आप मुझे। चलो इसमें टोटल जो है ना आपका 5 पैराग्राफ दिया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। पैसेज मैंने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फॉर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। यहाँ पर देखिए क्या है, कलरफुल बैज वॉज सीवन ऑन द यूनिफॉर्म एंड बैग्स ऑफ द स्काउट्स। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था ना आपको, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 4 जो है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 4 यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 4 इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा आपका टू मार्क द ओकेजन अ कलरफुल बैज। क्या होगा इसका आंसर? टू मार्क द ओकेजन अ कलरफुल बैज जो है इसका सही आंसर होगा। ओके, फर्स्ट वाले का। सेकंड नंबर को हम लोग देखते हैं। फ्रॉम पैराग्राफ 1 आपको आंसर कहाँ से देना है? पैराग्राफ 1 से देना है। वी कैन इन्फर दैट स्काउट मूवमेंट वॉज सेट अप डैश। ओके, तो सेकेंड नंबर इसका आंसर जो है वो पैराग्राफ 1 से देना है आपको, पैराग्राफ 1 से। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ना वो होगा विच वॉज सेट अप टू हेल्प यंग पीपुल अचीव देयर फुल पोटेंशियल एज दे ग्रो अप। ये इसका सही आंसर होगा पैराग्राफ 1 में, विच वॉज सेट अप टू हेल्प यंग पीपुल अचीव देयर फुल पोटेंशियल एज दे ग्रो अप। इसका सही आंसर होगा सेकेंड नंबर का। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, थर्ड नंबर को। थर्ड नंबर में यहाँ कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद अ वर्ड्स फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 4। आपको क्या करना है? पैराग्राफ 4 के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, 10 ईयर्स डिकेड। 10 ईयर्स में कितना डिकेड होता है? 1 डिकेड होता है। 100 ईयर्स में कितना होता है? 1 सेंचुरी होता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? 1 सेंचुरी। बट आपको क्या करना है ना, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 4 आंसर देना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 4, यानी कि पैराग्राफ 4 में देखिए 10 ईयर्स का डिकेड होता है और 100 ईयर्स का सेंचुरी होता है। आप सभी बच्चे जानते होंगे 100 ईयर्स का क्या होता है? सेंचुरी। तो आप यहाँ ज़्यादातर 90% बच्चों ने क्या भरा होगा? सेंचुरी भरा होगा। ओके, सेंचुरी ही फिल किया होगा आपने। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या फिल किया है। बट अकॉर्डिंग टू मी जो है ना यहाँ सेंचुरी नहीं होगा। आपको शौक लगा होगा? यस। देखिए आपको आंसर कहाँ से देना है? पैराग्राफ 4 से। हम लोग पैराग्राफ 4 को देखते हैं। देखिए पैराग्राफ 4 में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वर्ल्ड टू सेलिब्रेट दिस सेंटिनरी। क्या लिखा गया है यहाँ? सेंटिनरी लिखा गया है। 100 साल में देखिए लिखा गया 2007 मार्क्ड एज 100 ईयर्स ऑफ द स्काउट मूवमेंट एंड इवेंट्स टू प्लेस अराउंड द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट दिस सेंटेनरी। यानी कि 100 साल में कितना? 1 सेंटेनरी होता है। 100 साल में 1 सेंचुरी होता है। तो सेंचुरी को यहाँ पर क्या लिखा गया है? सेंटेनरी लिखा गया है। ओके, तो पैराग्राफ 4 के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो पैराग्राफ 4 में सेंचुरी को सेंटरी कहा गया है। तो सेंटेनरी जो है इसका सही आंसर होगा, सेंटेनरी। सेंचुरी भी हो सकता है, 50-50 जो चांस। देखिए 100 ईयर्स का तो 1 सेंचुरी होता ही है, ये सभी जानते हैं, एक छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि 100 ईयर्स का सेंचुरी ही होता है। बट पैराग्राफ 4 के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो पैराग्राफ 4 में सेंचुरी को सेंटिनरी कहा गया है। ओके,
तो ये होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने सेंचुरी लिखा है या सेंटिनरी लिखा है। सेंचुरी होगा ही होगा तो आप भी जानते हो, बट पैराग्राफ फोर में सेंटिनरी दिया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताना आपने क्या लिखा है। उसके बाद फोर नंबर को हम लोग देखते हैं। आफ्टर रीडिंग द पैसेज ब्रिंग अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बुक्स एड्स टू स्काउटिंग एंड स्काउटिंग फॉर बॉयज। आपको इसका जो आंसर है ना वो पैराग्राफ टू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा इसका आंसर? पैराग्राफ टू में मिलेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। वाइल इन द आर्मी ही रोट अ पब्लिकेशन अबाउट स्काउटिंग विच मीन्स सर्चिंग एंड कीपिंग वॉच एंड हाउ टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड कॉल्ड एड्स टू स्काउटिंग। ही रियलाइज्ड हाउ पॉपुलर दिस वॉज एंड द रिजल्ट वॉज अनदर बुक स्काउटिंग फॉर बॉयज विच हैड लेस इम्फेसिस ऑन द मिलिट्री। इसका आंसर होगा ओके। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना आपका इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर फाइव को। क्वेश्चन नंबर फाइव को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोला जा रहा है। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फॉलोइंग फ्रेज वन वर्ल्ड वन प्रॉमिस। तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? पैराग्राफ नंबर फोर में मिलेगा। तो देखिए हम लोग पैराग्राफ नंबर फोर को देखते हैं। तो पैराग्राफ फोर में जो है ना इसका जो सही आंसर है वो पैराग्राफ फोर में यहाँ पर देखिए दिया गया है वन वर्ल्ड वन प्रॉमिस। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ तक हो जाएगा ओके। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अकॉर्डिंग टू द चार्ट व्हिच कंट्री टुक मैक्सिमम टाइम टू इंट्रोड्यूस गाइडिंग आफ्टर स्काउटिंग। चूज योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द चार्ट, चार्ट के अकॉर्डिंग ये जो हमारा चार्ट दिया गया है ओके, इस चार्ट के अकॉर्डिंग विच कंट्री टुक मैक्सिमम टाइम, कौन सा देश जो है ना, कौन सा कंट्री जो है वो मैक्सिमम टाइम लिया किस चीज़ को? टाइम टू इंट्रोड्यूस गाइडिंग आफ्टर स्काउटिंग में मैक्सिमम टाइम कौन सा कंट्री लिया है? तो मैक्सिमम टाइम जो है ना वो थाईलैंड लिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड। यहाँ पर देखिए थाईलैंड, ये जो थाईलैंड है ना ये मेंबरशिप कितने थे थाईलैंड में? 13 लाख। फिर आपका इसका पॉपुलेशन पार्टिसिपेटेशन कितना था? 1.9%। 1911 जो है वो स्काउटिंग इंट्रोड्यूस किया और गाइडिंग इंट्रोड्यूस 1957 में। आप इसको माइनस करके देखना, मैक्सिमम ईयर जो है वो थाईलैंड का ही आएगा। आप इसको इससे माइनस करो तो 9, 10, 11 टू ईयर्स आएगा। इसको इससे माइनस करो तो नथिंग, और इसको इससे माइनस करो 8 ईयर्स आएगा। इसको इससे माइनस करो 2 ईयर्स आएगा। 1957 में 1911 को माइनस करो तो मैक्सिमम इसी का आएगा ओके। तो ये आपका थाईलैंड हो जाएगा इसका आंसर। मैक्सिमम टाइम जो है वो थाईलैंड लिया है। उसके बाद सेवन नंबर को हम लोग देखते हैं। लिस्ट टू रीजंस व्हाई अ फ्लैम वाज लिट अ बैडन पॉवेल ग्रेव इन 2007। तो देखिए ए और बी दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ए में क्या होगा? ए का जो आंसर है ना वो आपको पैराग्राफ नंबर फाइव में मिलेगा। पैराग्राफ नंबर फाइव में क्या ए नंबर में आपको क्या भरना है? 150 एनिवर्सरी ऑफ बैडन पॉवेल्स बर्थ। ये आपका ए नंबर में फिल करना है। याद रखिएगा ए नंबर में 150th एनिवर्सरी ऑफ बैडन पॉवेल बर्थ फिल करना है। और ऑप्शन बी में आप क्या फिल करना है? इसका आंसर मिलेगा पैराग्राफ नंबर फोर में। ये देखिए पैराग्राफ फोर में आंसर मिलेगा आपको बी का, सेवन का बी नंबर। 2007 मार्क्ड 100 ईयर्स ऑफ द स्काउट मूवमेंट। इसमें होगा बी में इसका आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ए में पैराग्राफ नंबर फाइव में आंसर मिलेगा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और बी का जो ये आंसर है वो आपको पैराग्राफ फोर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका आंसर है ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको चूज करना है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्काउट मूवमेंट फ्रॉम 1907 टू 2006 सो डैश रिजल्ट्स। तो इसमें इनकरेजिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा जो है आपका इंग्लिश का जो रीडिंग सेक्शन है इसका, यानी सेक्शन ए का आंसर। उसके बाद सेक्शन बी का जो है ना आपका जो ग्रामर सेक्शन है इसके बाद मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा। इसलिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, जितने बच्चे हैं सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप ग्रामर का आंसर चाहते हो तो। अगर आपको और भी सेट का अगर आंसर चाहिए तो आप मुझे मेरे मेल पर या मेरे इंस्टाग्राम पर आप जो है जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका PDF फाइल बना करके आप मुझे भेज दो, उसका आंसर मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा जितना जल्दी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना, देखिए
पिक करके आपको मेरे इंस्टा पे या फिर ईमेल आईडी पर नहीं भेजना है, आपको पीडीएफ फाइल बना के भेजना है। फिर नहीं तो आपका कमेंट आएगा, सर मेरे आपका जो आंसर है मेरा आंसर जो है आपने नहीं किया, इसलिए आपको पीडीएफ फाइल बना के भेजना है जिसका भी सेट का आंसर आपको चाहिए। ओके, समझ में आ गया। तो ग्रामर का आंसर मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगा, चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।